मानव जाति के इतिहास में लड़ा गया अब तक का सबसे भीषण युद्ध था, जिसमें 50 लाख से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ये युद्ध लड़ा तो सिर्फ 18 दिन ही गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद भारतीय पुरुषों की 80% आबादी साफ हो गई थी। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इतने बड़े युद्ध के दौरान लाखों सैनिकों के लिए खाना कौन और कैसे बनाता था? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हर रोज असंख्य सैनिक मर रहे थे, तो खाना बनाने वालों को कैसे पहले ही पता चल जाता था कि आज कितने सैनिकों का खाना तैयार करना है? सबसे पहले तो बता दूं कि हर युद्ध की तरह महाभारत के युद्ध से भी जुड़े कई कायदे कानून थे, जिन्हें युद्ध में हिस्सा लेने वाले हर सैनिक को मानना पड़ता था। जैसे कि युद्ध सुबह शंखनाद होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। शाम को जब सूर्यास्त होने का समय आता था, तो फिर से एक बार शंखनाद होता था, जिसके बाद युद्ध भूमि में खड़ा हर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ देता था। उसके बाद सभी योद्धा खाना खाते थे, आराम करते, साथ ही घायलों का इलाज भी किया करते थे। महाभारत के युद्ध में शायद ही उस वक्त कोई ऐसा राजा था जिसने युद्ध में हिस्सा ना लिया हो। भारतवर्ष के सभी राजा या तो कौरवों के साथ खड़े थे या फिर पांडवों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। उनके अलावा एक राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी इस युद्ध से दूर था, और वो था दक्षिण का राज्य उडुपी। महाभारत ग्रंथ में मिलने वाली कथा के मुताबिक जब उडुपी के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, तो कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि दोनों ओर से लड़ रही इस विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंधन कैसे किया जाएगा? तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपके पास इसकी कोई योजना है तो बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, वासुदेव, सच तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे युद्ध को मैं सही नहीं मानता, इसीलिए इस युद्ध में हिस्सा लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी वजह से मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ मौजूद सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। राजा की इस बात पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विचार एकदम सही है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप जैसा राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेगा, तो हम सभी उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब क्योंकि भीमसेन युद्ध का हिस्सा है, तो भोजन की जिम्मेदारी आप ही देखिए। तो दोस्तों, इस तरह उडुपी के महाराज ने महाभारत की सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंधन किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के आखिरी तक एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। बावजूद इसके ना तो भोजन कम पड़ता ना ही ज्यादा। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान हो जाते कि दिन के आखिर तक उडुपी नरेश सिर्फ उतने ही सैनिकों का भोजन बनवाते थे जितने युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस तरह के अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 18वें दिन बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, तो युधिष्ठिर का राज अभिषेक किया गया। तब युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि महाराज, सब हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरह हमने कौरवों की सेना को परास्त कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब में ज्यादा प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न सिर्फ इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं हुआ। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई, उसका श्रेय किसे देंगे? इस सवाल को सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण के अलावा इसका श्रेय और किसे दिया जा सकता है? अगर वो ना होते तो कौरवी सेना को हरा पाना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से ही संभव हुआ है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, मैं हर सुबह श्री कृष्ण के शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था, जिसे वो हर रात खाया करते थे, और उनके खाने के बाद में दोबारा गिनकर देखता था कि श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफली खाई है। वो जितनी मूंगफली खाते थे, उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान श्री कृष्ण 50 मूंगफली खाते थे, तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनाता था, और यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी सैनिकों के भोजन बनने का रहस्य समझ चुके होंगे, जो कि श्री कृष्ण के चमत्कार का ही एक छोटा सा हिस्सा भर था।